गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ समीर खान, आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। उसमें अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, जो कि किस पे एप्लीकेबल होती है, फिर किस पे लागू होती है, किसमें राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज पे। तो प्रमेय या फिर थ्योरम होती क्या है कि कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। अब कर्ण, आधार और लंब क्या होते हैं, तो ये जो है बेस ट्रायंगल का, इसको तो बोलते हैं बेस या फिर आधार, और जो यहाँ पे जिस पे परपेंडिकुलर जिस इस पे जो 90 डिग्री बना हुआ है, ये वाली लाइन ये होती है परपेंडिकुलर या फिर लंब, ठीक है। और इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होती है, कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूस। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये एच है हाइपोटेन्यूस, बी है बेस और पी है परपेंडिकुलर। लेंथ वाइज मैं अगर लिखा तो क्या लिखा है, ए सी का स्क्वायर, ए सी ए रहा इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर इरेशनल नंबर जो है उनको इसका यूज करके अपन नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान देना। फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि ड्रॉ रूट टू ऑन नंबर लाइन। रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, रूट टू को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया था, ठीक है, जिसमें बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर भी कितना है 1। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर कुछ क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी और पी की वैल्यू कितनी ली मैंने, 1 और 1। क्यों ली ये भी बताऊंगा मैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इसलिए मैंने ली। एच स्क्वायर कुछ कितना आया 2, एच इक्वल्स टू कितना आया रूट 2। अब 1 प्लस 1 2 होता है, इसका मैं अगर स्क्वायर रूट लूँ तब रूट 2 मिलता है, इसलिए मैंने क्या किया, बी और पी दोनों को क्या लिया, 1 1 लिया। अगर इसकी जगह और भी दूसरा अगर नंबर ले लेता, जैसे मान लो 2 ले लेता, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और 5 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो रूट 5 हो जाता, ठीक है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, 1 1 लेना पड़ा, ठीक है। अब ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपको परपेंडिकुलर हमेशा कितना लेना है, 1 ही लेना है। परपेंडिकुलर हमेशा कितना लेना है, 1 ही लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं रूट 3 को कैसे बनाएंगे। तो ये अच्छी याद रखना, जब भी आपको कोई इरेशनल नंबर बनाना है तो उससे पहले उसके जो बनाने से पहले उससे जो पहले वाला जो है इरेशनल नंबर वो बनाओ। जैसे रूट 3 से पहले क्या आता है, रूट 2, वो पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या बनाना है, रूट 3। अगर मान लो बोल दे कि रूट 5 का बनाओ, तो रूट 5 का बनाने से पहले आपको क्या बनाने का, रूट 4, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, ठीक है। चलो अगर आपको बोल दे कि रूट 6 बनाओ, क्या बनाओ, रूट 6 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रूट 5 आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल में अब बोला था इसने कि ड्रॉ रूट 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो h की वैल्यू मैंने यहाँ पे मानी है रूट 3, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, रूट 2 आपको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, रूट 2, ठीक है। रूट 2 कैसे बनाया था, सिंपल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, बेस 1 सेंटीमीटर था, फिर परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, जिसकी लेंथ कितनी ली अपन ने, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वाला ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला लिया, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करो 1 सेंटीमीटर, बेस की लाइन खींचना, यहाँ से स्टार्ट की खींचनी, ये होगी बेस की 1 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे नेम दे दिया ए और बी, ये लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। जैसे अपने 8th क्लास में ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखा था ना, बेस, तो ए से बी ये कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर बी पे मैंने कितना बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। और यहाँ से फिर अपन क्या करते थे, यहाँ से मेरे को 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो क्या करता, या तो मैं आर काट दूँ या फिर स्केल से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मेजर कर दूँगा। मेजर करने के बाद मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, सी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की अब लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इसको मैं यहाँ से ये मिला लूँगा, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, रूट 2 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कितना है मेरा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये होता है रूट 2। सिमिलरली देखो यहाँ बनाया था ये 1 सेंटीमीटर, फिर परपेंडिकुलर खींचा मैंने 1 सेंटीमीटर का, तो ये जो लेंथ आएगी ना, यहाँ से अब इस पॉइंट को तो मिलाऊंगा ना, ये किसके इक्वल होगा, रूट
टू के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रूट टू के इक्वल। अब मैंने बोला है कि रूट थ्री बनाना है, तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रूट टू बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने रूट थ्री बनाने के लिए पहले क्या किया, रूट टू बनाया, जीरो से वन तक की पहले लाइन खींची, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, वन सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कितनी है, रूट टू, ठीक है। अब रूट टू बनेगा कैसे, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला रूट टू, लेकिन मुझे बनाना किस पे था, नंबर लाइन पे। तो मैंने क्या किया था, कंपास से लेके यहाँ पे रखा एक पॉइंट और पेंसिल के नोक यहाँ पे रखे एक आर्क काट दिया किधर, इस साइड में, ठीक है, इस तरफ एक आर्क काट दिया। तो ये नंबर लाइन पे जहाँ पर भी टच करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जीरो था तो जीरो से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो रूट टू हो जाएगी, ठीक है। मैंने तो बिना मेजरमेंट के किया है तो थोड़ा आगे बन रहा है आपका टू, आपका कहाँ बनेगा, आपका वन के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है, वन के बीच में कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, चलो वन से और टू के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। अब रूट थ्री बनाना था तो मैंने किया कि पहले रूट टू बनाया कैसे, जीरो से वन तक पहले बेस लिया वन सेंटीमीटर, फिर परपेंडिकुलर खींचा कितना, वन सेंटीमीटर का, और यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो ये वाली लेंथ तो थी मेरी रूट टू। अब इसी पे बनाओगे रूट थ्री कैसे, मैंने क्या बोला परपेंडिकुलर हमेशा कितना लेना है, वन। तो अब यहाँ पे क्या बनाना है, वन सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचोगे और ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, एकदम सीधी लाइन खींचोगे तब भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, या फिर आप प्रोटेक्टर से बना सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना, ठीक है, और देखना 90 डिग्री सीधी आ रही, सीधी लाइन बना देना। उसके बाद क्या करना है आपको कि क्या करना है, उसके बाद ये जो लाइन थी 90 डिग्री वाली, इस पर 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेनी है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो उस पॉइंट को और इस जीरो वाली स्टार्टिंग पॉइंट को आपको मिला लेना है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ अब कहलाएगी रूट थ्री की, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी कहलाई, रूट थ्री की, यहाँ से यहाँ तक है रूट थ्री, लेकिन ये नंबर लाइन पे तो नहीं है, नंबर लाइन पे रूट थ्री यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, तो क्या करोगे, यहाँ से फिर कंपास रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक लेंथ मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करके फिर आप क्या करोगे, एक आर्क कटोगी इधर नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे जहाँ पे कहीं कटेगा, ठीक है, वो आपकी होगी किसकी वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू। तो वो कहाँ से मेजर होगी, जीरो से, जीरो से लेके जहाँ पे आपका कट हो रहा है वो वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी रूट थ्री की। वैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। तो आगे और पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। देखो आप आगे बनाते हैं, इरेशनल नंबर रूट टू का बना दिया, रूट थ्री का बना दिया, अगला इरेशनल नंबर कौन सा है, रूट फाइव। रूट फोर मत बोल देना, क्योंकि रूट फोर की वैल्यू टू होती है, जो कि कितना हो, जो कि क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हम हमारा टॉपिक क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। रूट टू रूट थ्री ये क्या है, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या है। तो अगली अपरिमेय संख्या क्या होगी, रूट फोर मत बोल देना, रूट फोर क्या होता है, उसकी वैल्यू टू होती है, जो कि रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। तो अगली कौन सी होगी, रूट फाइव, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि टू ड्रॉ रूट एम, फर्स्टली ड्रॉ रूट एम माइनस वन। रूट एम बनाने के लिए पहले रूट एम माइनस वन को बनाओ, मतलब एग्जाम्पल के तौर बताया कि रूट थ्री से पहले क्या बनेगा, रूट टू बनेगा, रूट फाइव से पहले क्या बनेगा, रूट फोर, मतलब टू, टू पे ही बनाना है, ठीक है। चलो तो अब बनाते हैं रूट फाइव, ठीक है। चलो देखो तो क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉ रूट फाइव ऑन नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर रूट फाइव, जो कि क्या एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, संख्या रेखा पर रूट फाइव दर्शाइए। तो क्या करोगे, ध्यान देना, बहुत ईजी, कुछ नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। क्या बोला था मैंने कि रूट फाइव बनाना, उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रूट टू बनाना पड़ेगा, रूट फोर बनाना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है। रूट फोर किसके इक्वल होता है, टू के। तो ध्यान देना, ये ली मैंने एक नंबर लाइन, ठीक है, इस पे ये वाला कर दिया मैंने ज़ीरो। अब यहाँ पे एक, चलो यहाँ पे मैंने जीरो पॉइंट ले ली इस पॉइंट पे। अब आगे क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर की पॉइंट लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मान लो मेरा यहाँ पे एक सेंटीमीटर हो रहा है, फिर दो, फिर ये तीन सेंटीमीटर, फिर
ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 5 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, स्केल रख के 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 जितने भी 10 तक है ना, आप डॉट कर दो, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। फिर बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर लिख देना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि रूट 5 बनाना है, तो उससे पहले क्या बनाएगा, रूट 4 बनाएगा, जो कि मतलब 2 बनाएगा। तो 2 तो सिंपल ही है, नंबर लाइन पे सीधा लिख सकते हैं, ये रहा टू मेरा है कि नहीं। तो मैंने एक चीज़ और बोली थी कि परपेंडिकुलर या फिर लंब हमेशा आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो अब इस 2 पे कितना बनाओगे, इस 2 पे कितना बनाओगे, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ध्यान देना कैसे, जैसे इसमें था कि मेरे को रूट 3 बनाना था, मैंने क्या किया था, रूट 2 पे मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला था, कितने का, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। रूट 3 से पहले मैंने क्या बनाया था, रूट 2 बनाया था, ठीक है। तो रूट 5 से पहले मेरे को रूट 4 बनाना है, तो वो तो 2 ही होता, तो मुझको बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ही नंबर लाइन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 पे मैंने परपेंडिकुलर डाला था, तो इस बार अपन को किस पे डालना पड़ेगा, इस बार अपन को इस 2 पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रूट 4 एक 2 ही होता है, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो वो कितने का होगा, वो 1 सेंटीमीटर का डालना पड़ेगा। ये मान लो एक लाइन खींच दी मैंने सिंपल, ये कितना 90 डिग्री। आप कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर से यहाँ पे रखोगे और देखोगे 90 डिग्री कहाँ बन रहा, सीधा बन रहा, इस लेंथ को सीधा मिला दो, ठीक है। फिर स्केल से क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर इस यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रखोगे स्केल, ठीक है। इस तरह से आप स्केल रखोगे और ऊपर 1 सेंटीमीटर देखोगे, और 1 सेंटीमीटर मान लो मेरा यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है। आप स्केल से करना है, स्केल से यहाँ पे मान कर लोगे। फिर ये मान लो मेरा है ए पॉइंट, ये है बी, और ये 1 सेंटीमीटर मान लिया मेरे को, कितना मिल गया, सी। फिर क्या करना है, ए को इस सी से मिलाओगे, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है आपकी रूट 5, कितनी है, रूट 5। लेकिन ये तो नंबर लाइन पे तो नहीं, ये तो हवा में है, मेरे को तो नंबर लाइन पे चाहिए। तो क्या करोगे, कंपास से नोक यहाँ पे रख के, पेंसिल यहाँ पे रख के क्या करोगे, इतनी लेंथ भर के यहाँ से एक आर काटोगे, यूँ एक आर काटोगे, यूँ कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जहाँ पर भी कटेगा, मान लो यहाँ कहीं कट रहा है मेरा, ठीक है, तो वो आपकी किस कौन सी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जहाँ पे आर कटा है ना मेरा, मान लो यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो किसको शो करेगा, वो करेगा रूट 5 को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 0 से ये आर्क जहाँ पर कटा है उसकी लंबाई कितनी होगी, वो होगी रूट 5 के बराबर। आर को इनने बोलते हैं चाप, ठीक है। क्या करोगे, ए से सी लेंथ भर के ए पे पॉइंट रखोगे और चाप काटोगे, कहाँ पे, नंबर लाइन पे, जहाँ पे कट रहा है, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से 0 से अब यहाँ तक की लेंथ मेजर करोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करके ड्रॉ करके लिख देना रूट 5। ये किसका डायग्राम बना है, रूट 5 का। अब बोले कि अगर रूट 6 बनाना हो, तो रूट 6 भी क्या है, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान देना, जैसे लिखा है कि ड्रॉ रूट 6 ऑन नंबर लाइन, मतलब रूट 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो क्या करोगे, रूट 6 से पहले क्या बनाना है, रूट 5, और परपेंडिकुलर आपको कितने का डालना है, 1 सेंटीमीटर का, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो रूट 5 का अभी बनाना अपन ने सीखा है, तो ध्यान दो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक ड्रॉ करोगे नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या करोगे, एक पॉइंट लोगे, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्टिंग कर ली, ये मान लिया अपना क्या है, 0। फिर क्या करोगे, स्केल लेके एक एक सेंटीमीटर की पॉइंट ड्रॉ करोगे, ये मान लो मेरा 1, ये 2, ये 3 4 5, स्केल में होता है ना ऐसे लिखा हुआ, 1 2 3 4 5। बेसिकली आपको अगर देखा जाए तो स्केल ही ड्रॉ करनी है, स्केल ही बनानी है एक तरह से, ठीक है, सिंपल। फिर रूट 5 के लिए क्या किया था, पहले अपन ने क्या, कितनी लेंथ ली थी, 2, तो ये ला 2। रूट 5 के लिए अपन को रूट 4 बनाना पड़ेगा, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इस पे अपन क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, मैंने बोला परपेंडिकुलर या फिर लंब हमेशा कितना लेना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाओ, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, चंदा या फिर प्रोटेक्टर की सहायता से आप बना सकते हो। ये मान लो मेरा ए है, ये है बी, ठीक है।
ये मैंने लेंथ कितनी ली, 1 सेंटीमीटर लेनी है, ये 1 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया सी। अब इसको मैं क्या करूँगा, इससे मिला दूँगा, इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये वाली लेंथ अब किसकी आई, रूट फाइव की। लेकिन मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था रूट सिक्स की। तो अब रूट फाइव वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इस पर क्या करूँगा मैं, एक और परपेंडिकुलर डालूँगा, कितने का, रूट सिक्स का, कितने का, रूट सिक्स का। तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो या फिर लंब डालो चंदे या फिर प्रोटेक्टर की सहायता से, कैसे, ये इस तरह से है ना, टेढ़ी है, तो आप क्या करो कॉपी को थोड़ा घुमा दो, ठीक है, कॉपी को आप घुमाओगे तो वो इस तरह से दिखेगी, सीधी दिख जाएगी। सीधी होने के बाद आप क्या करोगे, इस पर एक 90 डिग्री बना दो सीधा सीधा, बताऊंगा आपको कंपास वो लेके बताऊंगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से कंपास से बताऊंगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल, ये पे भी 90 डिग्री था, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर या फिर लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये तो लेंथ पूरी है, मेरे को कितने चाहिए, मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की एक, यहाँ से सी से लेके यहाँ तक एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ लोगे, मान लो इसका नाम आ गया डी। तो ये जो लेंथ है, यहाँ से जीरो से ए को डी से मिलाओ, ए को डी से मिलाओ सीधा सीधा, तो ये ए डी जो लेंथ है, ये ए डी एफ लेंथ कितनी है, ये ए डी एफ हो जाएगी रूट सिक्स की। लेकिन मुझे तो नंबर लाइन पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लूँगा कंपास में, ठीक है, प्रकार में, और इस पॉइंट पे रख के यहाँ तक ये लेंथ भरूँगा यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या करूँगा, इस नंबर लाइन पे एक इस तरह से आर्क काट दूँगा या फिर चाप काट दूँगा। तो ये जो चाप है, जहाँ पे कहीं कटेगा, मान लो मेरा यहाँ पे कहीं कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको चलो नाम दे दो ई पॉइंट। तो ये वाली लेंथ है ना, ए से ई तक की, ए से ई तक की लेंथ, ये अब किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है रूट सिक्स को, किसको, रूट सिक्स को, कैसे, क्योंकि मैंने इसी की लेंथ को ही तो यहाँ पर नीचे गिराया है। इस लेंथ को अगर मैं यहाँ पर नीचे गिराऊंगा तो कहाँ पर गिरेगा, इस तरह से नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो यहाँ पर गिरने के बाद ये वाली लेंथ भी तो कितनी होगी, रूट सिक्स ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे रूट सिक्स का, आगे समझ में, ओके। तो अब एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक तो अपन ने कर लिया। एक्सरसाइज 1.2 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 4/4 तो प्रैक्टिकली है, वो तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3, तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, ठीक है, लिखा है पहला कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या होता, सही है, ये ट्रू है, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, रियल नंबर का टाइप ही तो है इरेशनल नंबर, तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखो ये अपन ने पढ़ा था, रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। तो मैं बोल रहा हूँ जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर, तो है ही, ये जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और जितने भी रैशनल नंबर हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में ही तो 2 है, तो अगर बात कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर, जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना ट्रू हो जाएगा। तो आंसर की अगर बात करें तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number, मतलब संख्या रेखा पर सभी संख्याएं, संख्या रेखा पर सभी संख्याएं root m के रूप में होती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो किस फॉर्म में होते हैं, root m के फॉर्म में। क्या ये सही है या गलत है, मतलब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है वो वर्गमूल ऑफ m के रूप में होती है, जहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर, मतलब √1, √2, √3, √4, √5, √6 इस फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में होती है क्या, इस फॉर्म में होती है क्या, नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी तो होते हैं,
ठीक है। अगर रूट की फॉर्म में अगर लूँ तो फिर थ्री और ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। वन टू थ्री फोर सभी रूट की फॉर्म में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने रूट एम और एम की वैल्यू इसने क्या बोला, एम को क्या बोला इसने, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, वन टू थ्री फोर इस तरह से, मतलब प्राकृत संख्या बोल दिया। अगर यहाँ पे एम को अगर ये आर बोलता ना कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, तो मैं बोल सकता था कि हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या है या फिर रियल नंबर होता ही क्या था जिसको अपन नंबर लाइन में डाल सकते हैं। वो अगर यहाँ पे m की वैल्यू, m को अगर ये r बोलता, r मतलब रियल नंबर बोलता, m को अगर ये रियल नंबर या फिर m को अगर ये वास्तविक संख्या बोलता, तब मैं बोल सकता था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज अ रियल नंबर। अगर रियल नंबर होता तब ये ट्रू होता, ठीक है। मतलब संख्या रेखा पर सभी संख्याएं रूट m के रूप में होती है, जहाँ m एक वास्तविक संख्या होता तब मैं बोलता कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर को ही अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, सभी को नहीं, ठीक है, सभी को नहीं, ठीक है, ठीक है। मतलब रूट एम के फॉर्म में नहीं होते, वास्तविक संख्या जो होती है वो रूट एम के फॉर्म में होती है। मतलब रूट एम जैसे रूट वन, ठीक है, रूट वन, और वन क्या है, एक वास्तविक संख्या है। रूट टू, रूट टू में टू क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक, ठीक है। और एक एक चीज़ और, चलो ये तो पॉजिटिव वाले बात कर ली मैंने, अगर नेगेटिव में भी आगे अगर आ जाए, जैसे मान लो रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया माइनस वन, तो ये तो रियल नंबर होता ही नहीं, ये तो इमेजनरी नंबर होता है। आप आगे क्लास में पढ़ोगे, इलेवंथ में या ट्वेल्थ में अगर आपने मैथ लोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल नंबर के बाद दूसरा नाम आता है इमेजनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। रूट में अगर माइनस में आ जाए नंबर, रूट माइनस वन, रूट माइनस टू, रूट माइनस थ्री, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। पे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एम अगर इसने रियल नंबर बोला होता तब ये ट्रू होता, ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे पास आकर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से पूरा क्लियर कर दूंगा, वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जितना ज़रूरत था मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड क्या होगा, फॉल्स। थर्ड की अगर बात करें, क्या बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब जितने भी वास्तविक संख्या हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर। ये तो गलत बोल दिया इसने, उल्टा बोल दिया, जो फर्स्ट था उसी का उल्टा बोल दिया। पहला बोला था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो ये ट्रू है। अब इसने उल्टा बोल दिया कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का पार्ट रियल नंबर थोड़ी ना है, इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर थोड़ी ना है। अब वन, वन क्या है, रियल नंबर है, तो वन को क्या मैं इरेशनल में बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है। मतलब जितने भी वास्तविक संख्या हैं, अपरिमेय संख्या है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वन, अब वन को ही ले लो, वन एक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो उसको मैं क्या अपरिमेय संख्या बोल सकता हूँ क्या, नहीं, वन एक अपरिमेय संख्या है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बुक से बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। मतलब क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, जरूरी है क्या? नहीं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, किसकी, रूट फोर की, किसकी, रूट फोर की, किसका, रूट फोर क्या एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, उस पर मैंने क्या डाल दिया, एक स्क्वायर रूट डाल दिया, तो इसकी वैल्यू तो टू होती है, तो ये इरेशनल होता है क्या, नहीं होता, ये इरेशनल होता है क्या, नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। मतलब धनात्मक पूर्णांकों के अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ तो बोल रहा है कि वह अपरिमेय संख्या होगी। ये धनात्मक पूर्णांक लिया, इसका मैंने क्या स्क्वायर रूट
ये आया टू, तो क्या ये अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर है क्या? नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो जो पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? नो, ये गलत है। अब बोल रहा है कि इफ़ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब अगर ये स्टेटमेंट गलत है ये जो बोल रहा है, तो आप ऐसे नंबर का एग्जाम्पल दो जो कि जिसका स्क्वायर रूट करने पर रैशनल नंबर आ जाए। तो ये रहा रूट फोर है कि नहीं है। रूट फोर का मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? टू मिलता है, जो कि क्या एक रैशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल में आप नीचे क्या लिखोगे? रूट फोर इक्वल्स टू टू। ठीक है, उसके बाद सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपको मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको होमवर्क में 1, 2 और 3 आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल, मतलब आगे से आगे बनाते रहना, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स। ठीक है, इस तरह से आगे से बनाते रहना। ठीक है, तो वो तो आप घर पे भी ट्राई करो तब भी हो जाएगा। ओके, तो आगे अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके 1.3 का बेसिक है। ठीक है, 1.3 में पूछेगा कि डेसिमल कौन सा टाइप है, डेसिमल का ये कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब शांत, अशांत, पुनरावर्ती या फिर अशांत, अनावर्ती, में से कौन सा टाइप है। तो एक बार वापस से अपन रिविज़न कर लेते हैं। तो देखो पीछे क्या लिखा था अपन ने, ये हमने 3 डेसिमल नंबर पढ़े थे। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट आते हैं। डेसिमल नंबर आर ऑफ 3 टाइप, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं शांत, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जिसको बोलते हैं अशांत, पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत, अनावर्ती। टर्मिनेटिंग में क्या होता था, शांत में क्या होता था कि पॉइंट के बाद नंबर रुक जाता था, मतलब अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाता था मेरे पास? 0 आ जाता था। ठीक है, फाइनल मतलब डिवाइड या फिर भाग खत्म हो जाता था, तो उसको मैं क्या बोलता था? टर्मिनेटिंग या फिर शांत। दूसरा था मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत, पुनरावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत का मतलब क्या है कि डिवाइड चलता रहेगा, डिवाइड आपका चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहेंगे, जैसे पॉइंट की वजह से 1, यहाँ पे देखो 1.12 1.2 1.2 1.2 बस चलते रहेंगे, इसी फॉर्मेट में आगे चलते रहेंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे। तब वो केस किस में आ जाता था? ये एग्जांपल किसका हो जाता था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, अशांत और पुनरावर्ती, मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है, जैसे 9.99999। ठीक है, डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है? रुक नहीं रहा है और आगे तक चल रहा है। ठीक है, ये तरीका होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अनंत या फिर इनफाइनाइट को दिखाने का। आप क्या करो, अगर चलता रहना है तो क्या करो, कुछ नंबर लिख के आप डॉट डॉट कर दो, 3 या 4 डॉट कर लो, इसका मतलब क्या है? वो आगे तक चलता रहेगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको रीअकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रीअकरिंग भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसके क्या बोलते हैं? अशांत, अनावर्ती। अब क्या होगा यहाँ पे? अशांत का मतलब क्या? न तो रुकेगा, और अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो रही है। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है? रिपीट नहीं हो रहा है। अब किस फॉर्म में होगा? जैसे देखो 1.2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, क्या हुआ यहाँ पे? पॉइंट के बाद नंबर क्या हुए? न तो रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती, और क्या हो रहा है? आगे तक चलता रह रहा है। ठीक है, आगे तक ये चलता रह रहा है, तो ये वाला केस क्या हो जाता है? अशांत, अनावर्ती का। तो अपन एक्सरसाइज 1.3 में नेक्स्ट वीडियो में अपन यही पढ़ेंगे। आपको पूछेगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका अपन डिवाइड करके भी पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल दिए थे मैंने 5/4, तो 5/4 जब मैंने डिवाइड किया था 1.25, यहाँ पे रुक गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो ये कौन सा केस था? ये केस था टर्मिनेटिंग का। इसको मैं क्या बोलूँगा? ये वाला नंबर जो है क्या है? टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस में लिया था, जैसे 10/3, 10 में अगर 3 का मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? हमेशा डिवाइड किया जाएगा 3 से गया, फिर 101 या वापस 1111 आता रहेगा रिमाइंडर में। ठीक है, और डिवाइड आगे तक चलता रहेगा।
3.333333. और मैंने ये भी बोला था अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो उसको मैं बार के रूप में ले सकता हूँ। अगर दो डिजिट रिपीट होगी तो दोनों नंबर पे मैं क्या लगाऊंगा, बार लगाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला था कि 1/7, अब इसमें क्या होगा, डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे चलता रहेगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, चलता रह रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, अशांत अनावर्ती। ओके, तो ये एक बार अपन ने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे कि अगर डेसिमल नंबर को P/Q फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, वो कैसा तरीका है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करना है, 1, 2, 3। ठीक है, एक तो वो सिंपल बचा है ट्रू फॉल्स वाला और एक नंबर लाइन वाला जो रूट 5 को ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।